चिपरा जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। आ रही हूँ, बस एक मिनट, आ गई। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। अरे वो बच्ची नहीं है, अपना ध्यान रख लेगी, तुम बैठो। सीसीटीवी तो ठीक करवाते नहीं और बोल रहे हो बच्ची है। करवा दूंगा, चलो बैठो। अरे मुझे बोल रहा, उसको तो बुलाओ, वो क्या कर रहा है? अच्छा बैठो। अरव क्या कर रहे हैं, अंदर बैठो, गाड़ी चलाओ। जी पापा। प्रीता बेटा चलना। नहीं पापा, आप लोग जाकर आइए। अरे बेटा तेरा टेस्ट का स्ट्रेस निकल जाएगा, बहुत मजा आएगा, चल। नहीं नहीं, आप लोग जाकर आइए। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय। छोटे सामान उठाना वो तो ठीक है, लेकिन ये चंदू कहाँ गया? भाड़ में जाए चंदू, तू हथौड़ा दे। अच्छा भी कहें, हाँ ठीक है, आया, मैं आ गया। घर जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उस घर की सुरक्षा को ही नजरअंदाज कर देते हैं और यही क्राइम की सबसे पहली दस्तक होती है। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक और फिर से आपका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। प्रथा एक संपन्न परिवार की लड़की थी, उसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे लेकिन सभी खराब पड़े थे। मैं मानता हूं कि सारे सुरक्षा उपायों के बाद भी अपराध होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कम अपराधियों में डर तो बना रहता है। हेलो, आप कहां पर रहिए, एड्रेस बताइए। ठीक है मंजीत, जल्दी से गाड़ी निकाल। सर ये फोन बेडरूम से मिला। ये आपकी बेटी का फोन है जी, फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ सर।
यह समय आपसे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ? सिंह जी, पूरे घर से फिंगरप्रिंट उठाओ। जी सर। प्रीता, प्रीता, माँ ये सब कैसे हुआ? पापा, प्रीता, प्रीता, प्रीता मेरी बहन। सही माल मिला ना बिना उस चंदू के। हाँ का फिर? हाँ कुछ नहीं, वो मेरी माँ का कॉल आ गया था। क्यों, क्या हुआ? वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा हिस्सा बाकी चले जाते। क्यों बंद करते हैं? और ये हिस्सा कहाँ से हुआ तेरा? मतलब ये जगह तुम लोग को मैंने बताई है। तो जगह बताई तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं, तो क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे हिस्सा, रुक जा, नहीं मिलेगा। चंदू, कहाँ गया था इतनी रात को तू? आप सोइए ना, काया हमारा दिमाग खराब कर रही है। अरे पर था कहाँ तू? हाँ, हम ऐसे दोस्तों के साथ थे, आप सोइए जाके। वाहेगुरु जी, अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर देते हैं? प्रीता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो सबसे मिलजुल कर रहती थी, कुछ ज्यादा ही मिलजुल के रहती थी, खासकर लड़कों से। मैंने तो कितनी बार देखा लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती थी। मुझे जल्द से जल्द प्रीता के कॉल लेटर्स चाहिए और अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। आप लोगों ने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की जब आप लोग शादी में जा रहे? हमें निकलते निकलते 9:30 बज गए थे, ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। आप लोग प्रीता को घर पर अकेला छोड़कर क्यों गए थे? टेस्ट था उसका, मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं मानी। वहाँ जाने के बाद उसका कॉल आया मुझे, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। शादी कहाँ थी? पास में थे, 10 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ से घर अकेली आई? मैंने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, जब मुझे ये नहीं मिले तो मैं अकेली घर आ गई। मैं डॉक्टर हूँ सर, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया था तो कुछ इमरजेंसी थी तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। ओके। बाद में शिप्रा का मुझे फोन आया। और तुम? मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ था, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे, मुझे नहीं पता था मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर, CCTV खराब है इधर। इतने गैर जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? किसी भी दरवाजे पे फोर्स एंट्री के निशान है नहीं, चारों तरफ तो वायरिंग है, तुम एंटर कहां से किए होंगे? जी ये घर किन का है? जी मेरा है। आइए जरा कुछ छानबीन करनी थी। हो सकता है कि कोई चोरी के इरादे से घर में घुसा हो और फिर उसने प्रथा के साथ, या फिर कोई आपके जानने वाला ऐसा आदमी जिसे आपकी कोई दुश्मनी हो, या कोई ऐसा आदमी जो प्रथा को जानता हो, या जिसको प्रथा में कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो। सबसे अच्छे से बात करते थे, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत से फ्रेंड भी थे उसके, मोस्टली बॉयज। वो बहुत ही फ्रेंडली और सोशल टाइप की लड़की थी, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी। उसका किसी के साथ ऐसा कुछ इशू होता तो हमें तो पता होता ना, है ना?
दरवाजे पर कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। आपके घर कोई आने वाला था क्या? नहीं सर, कोई आने वाला नहीं था। इनफैक्ट हम लोग शादी में जाने वाले थे। हम थोड़े ना रात रात भर जाग कर देखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है। ये अपने सामने वाली सीट लाइट जलती तो है, सबको साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी आपने कुछ नहीं देखा। अरे सर, नाम की लाइट है, अपने मूड पर ऑन ऑफ होती है। इतने नर्वस क्यों? प्रीता के साथ दोस्ती थी तुम्हारी? तुम एक ही एज ग्रुप के लगते हो। ना जी, एक साल छोटा है मेरा रोहन और कॉलेज में जूनियर है। और वैसे भी सर, मेरा बेटा ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। तुमने प्रीता को किसी दोस्त या किसी के साथ आते जाते देखा? ना जी सर, मेरा बेटा कोई ताका जाकी नहीं करता। और वैसे भी सर, हमारा तो अर्ली टू सोना और अर्ली टू जागना, हम तो 10 बजे ही सो जाते हैं सर जी, हमने कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा है तो ये घबरा हुआ क्यों? सर घबराएगा क्यों नहीं, पास ही में मर्डर हुआ है, यहाँ मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। अरे चंदू, स्कूल को देर हो रही है, अरे पड़ोस में गुड़िया को भी छोड़ना है, जल्दी कर बेटा। चंदू, चंदू, अरे क्या हुआ, ऐसे काहे बैठे हो? कुछ नहीं हुआ हमको। ठीक है, हम ठीक हो तो तैयार काहे नहीं हुए? चलो, हमें कहीं नहीं जा रहा, अब जाइए। ये क्या है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। आपको समझ नहीं आता, तब से कह रहे हैं ना, हम परेशान मत कीजिए हमें, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पापा आज घर छोड़ के चले गए। हम भी चले तो चैन मिल जाएगा आपको, चले जाए यहां से। बहुत पुलिस आई है, गई थी मैं। एक मिनट, क्या हुआ तुझे? हाँ, मिल गई फुर्सत? माफ करना भाभी, थोड़ी देर हो गई। अब जल्दी काम निपटा तू। अच्छा बिजी है, चल ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। भाभी, ये पुलिस क्यों आई है, कुछ हुआ है क्या? अपनी शिप्रा भाभी है ना। हाँ, कल रात उसके घर में कोई घुसा आया था, उसकी बेटी प्रीता को जान से मार डाला है। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। प्रीता दीदी तो कितनी प्यारी थी, किसी को क्या मिलेगा उसको मार के? मुझे तो लगता है कोई चोर घुसाया होगा, प्रथा ने देख लिया होगा इसलिए जान से मार डाला। ये क्या है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अब सोच क्या रही है, जल्दी से काम निपटा। हाँ अभी करती हूँ, पहले देर से आती है। अच्छा सुनो, कल रात इस घर के आसपास किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके चले जाता हूँ, तब तक मेरे ख्याल से नहीं साहब, कोई नहीं आया था। लड़के लोग आते रहते थे, वो लड़की थोड़ी उसके लड़के लोग से ज़्यादा दोस्ती रहती थी। हाँ साहब, कल शाम में उसका एक कॉलेज का दोस्त यही था। वो अंदर जाते मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन यह था, सिगरेट मांगा, लेकिन थोड़ा परेशान लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो प्रीता का दोस्त ही था? सब दोनों को साथ में कई बार देखा इसलिए। अच्छा कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आ जाना। सर प्रीता की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, मर्डर करने से पहले इसके साथ रेप भी किया गया है। सर ये रेप इतना ब्रूटल था कि ये पहचानने में भी दिक्कत आ रही है कि ये काम किसी एक इंसान ने किया है और लोग भी शामिल थे। काफी इंटरनल इंजरीज है सर, ऐसा लग रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट को किसी शार्प चीज से हार्म किया गया था। एक मासूम सी लड़की के साथ इतना घिनौना काम, वेरी डिस्गस्टिंग। बड़ी शर्म वाली गल है सर। बात सिर्फ शर्म की नहीं है, ताज्जुब की भी है। ऐसा कौन सा रेपिस्ट है जो रेप करने के बाद लड़की को वापस कपड़े पहना दे? और फिर घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है, हो सकता है प्रथा ने किसी जानने वालों को ही घर पे बुलाया हो। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता चला? सर कुछ खास नहीं पता चला, बस उनका यही कहना था कि उसका नेचर कुछ फ्रेंडली था और ज़्यादातर उसके मेल फ्रेंड्स ही थे। सही से ऐसा लगता है कि उनको उसके करेक्टर पे शक था। कोई उसका दोस्त शाम को उसके घर के आसपास भी आया था, जो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैंने भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। उसके सारे दोस्तों के बारे में पता करो और अपनी रिपोर्ट्स देखो,
कि शायद कोई पहले ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या? हो सकता है किसी गैंग का काम हो। जी सर। और इसके पेरेंट्स को बताना कि लड़की के साथ रेप हुआ है मुश्किल काम है, टूट जाएंगे बेचारे। लोगों को लगता है कि हम पुलिस वाले बहुत टफ होते हैं। हाँ, हम टफ होते हैं, लेकिन किसी पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, वो भी इतनी हैवानियत के साथ, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होता। मैं खुद एक बच्ची का बाप हूँ और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा हो। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़कियों को अपना निशाना बना लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर एक के बारे में पता करना चाहता था। हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली अपराधी हमारी पहुंच से अभी भी बाहर था। प्रीता बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, और बहुत हेल्पफुल भी थी। अपने दोस्तों पर तो जान छिड़कती थी, खास तौर पर तन्मय के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर उनमें। प्रीता तन्मय और उनके दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। हाँ, पर ज़्यादा टाइम वो रोहन के साथ रहती थी। रोहन उसका जूनियर था, पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अच्छा, मुझे इस रोहन से बात करनी थी। क्या वो आया आज कॉलेज? सर आप मॉम को कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। सर मॉम प्रीता को नहीं जानती, इसलिए उससे चिढ़ती हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर तो तुम्हें अच्छे से पता होगा उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा। कौन कर सकता है ये सब? और हाँ, ये तन्मय कितना अच्छा दोस्त था उसका। सुना है काफ़ी टाइम से आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सर लास्ट वीक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डूड? क्यों तो हमेशा प्रीता की पूछ बनकर उसके पीछे घूमता रहता है? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब तेरे मानने से वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इतना आसान है? हां सॉले, तो ऐसे क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये बोल रहा है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और ऐसे बोला है कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूं, और मुझे ना ये सब नॉनसेंस में पढ़ना ही नहीं है। और तन्मय तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, सो प्लीज। बट आई लव यू प्रीता। यार ये तू कैसी बात कर रही है? ओह गॉड, मतलब तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैंने अच्छे से बात कर ली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? मतलब फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज होती है क्या? और तन्मय प्यार तुम्हें है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझसे दूर हो। चलो रोहन। प्रीता समय बहुमूल्य है, सो इसलिए झूठ बोल के अपना और हमारा समय मत बर्बाद करना। हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा और प्रीता के बीच कोई अनबन हुई थी, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं जिस दिन प्रीता का मर्डर हुआ था तुम उसके घर के आसपास ही थे। तुम काफी गुस्से में थे, तुमने प्रीता को मनाने की कोशिश की, प्रीता नहीं मानी तो तुमने प्रीता को मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उससे माफी मांगने गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उसके गेट के बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा। सर वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन मैं उसे कुछ और ही समझ बैठा था। मैंने सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तुम्हारी इस झूठी कहानी में कोई मजा नहीं आया। सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस रोहन की तरह झूठा नहीं हूँ। सर यहाँ पर सब जानते हैं कि वो प्रीता के पीछे पागल था और उसके सामने जस्ट अ फ्रेंड वाला ड्रामा करता था। आप किसी से भी पूछेंगे सब आपको यही बोलेंगे। हम नहीं आएंगे, तुम लोग को मरना है तो जाओ मरो। हम लोग ने तुमसे पहले ही कह दिया था कि चोरी वोरी कुछ दिन के लिए बंद करो। चंदू तुमको पता है वो विद्युत साहब है ना, उनकी बेटी प्रीता किसी ने उसे मार डाला। पुलिस कह रही है किसी गैंग का काम है, कोई चोरी वोरी करने गया था उसी ने मार डाला। अरे ये क्या हुआ? चंदू मेरी बात सुन, कहीं तुम ये सब तो नहीं किए ना? उस दिन हम बताए थे तुमको कि विद्युत साहब अपने परिवार के साथ शादी में जाने वाले हैं, और हमको रात में आने के लिए मना किए थे। ये बात सिर्फ तुमको बताए थे, सच सच बताना बेटा, कहीं तुम तो चोरी करने नहीं गए थे ना? माँ आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उस मनहूस दोस्तों के साथ अब कि तुम आफत में पड़े ना तो हमारे पास रोते हुए मत आना। सर प्रीता के कॉल और मैसेज डिटेल्स। सर ये देखिए सर, वाहे गुरु। अरे यार वहाँ का वेदर कितना अच्छा था ना यार। हाँ बाय गॉड मजा आ गया, बिल्कुल सही बोला तुमने। बीवी हमेशा सही कहती हैं। चलो मैं चेंज कर गया। चल ठीक है, चाय बना लेना। हाँ कुलविंदर, कुलविंदर गल सुन यार।
मेरा लैपटॉप किथे है यार? लैपटॉप नु छड्डो, अंदर कबर्ड च साडे पैसे ते डायमंड रिंग कुछ नहीं पया। ओ यार लैपटॉप च मेरे क्लाइंट्स दा जरूरी डाटा सीगा यार। उच स्टैचू किथे है? वॉल क्लॉक भी नहीं हैगी यार। तैनु की पता? यार मैं तैनु बोलया भी सी लैपटॉप साथ लेके चलते हैं, पर तू मेरी गल सुनदी नहीं। पर हम तो घूमने गए थे ना, लैपटॉप लेके जाते तो सारा दिन उसके अंदर घुसे रहते। ये रैली में शर्मा की ड्यूटी लगाओ, जो बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ आने वाले हैं। जी सर। एक रॉबरी की कंप्लेंट आई उसी इलाके से जहाँ पर प्रीथा का मर्डर हुआ। सर पिछले 6 महीनों में वहाँ पहले भी 2 बार रॉबरी हो चुकी है। तुम इस नए रॉबरी केस को देखो, मैं रोहन से मिलकर आता। सर मेरे लैपटॉप में मेरी ऑफिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, बाकी घर का सामान मिले ना मिले, बट प्लीज मेरा लैपटॉप जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। सर 50,000 रुपये, मेरी डायमंड रिंग, स्टीरियो, सब कुछ मिसिंग है। एक मिनट, किसी चीज को हाथ मत लगाना। साहब वो अलका भाभी का काम हम निपटा के आते हैं। अच्छा ये किस किस को मालूम था कि आप लोग घर से बाहर जाने वाले हैं? सबको ही पता था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। सर बाहर एक सीसीटीवी लगा है। उसका फुटेज देख सकते हैं? उसका डाटा मेरे फोन से कनेक्ट है, इसमें देख सकते हैं आप। तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था? हाँ अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे उससे दूर रहने को कहती थी। अब शांत रहिए ना, मैं रोहन से बात कर रहा हूँ ना। हमने प्रथा के मोबाइल में मैसेजेस पढ़े हैं जो अपनी मौत से पहले उसने तुम्हें भेजे थे, बहुत सारे हेट मैसेजेस। वो मैसेजेस तुमने पढ़े, तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए, उसे मार डाला। सर मैंने किसी को नहीं मारा। सर सर मॉम स्वेयर, सर मैंने किसी को नहीं मारा, आप यकीन करिए। हम झूठे लोगों का यकीन नहीं करते। ऐसी क्या गलती की थी तुमने जो उसने तुम्हें इतने सारे हेट मैसेजेस भेजे? सच बोलने की। प्रथा प्रथा मेरी बात, तुम लोग को दोस्ती का मतलब समझ नहीं आता ना? प्रथा मैं तेरा दोस्त हूँ, पर मैं हमेशा तेरा बेस्ट फ्रेंड बनके नहीं रहना चाहता। प्रथा आई रियली लाइक यू। तेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहती थी, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, तुम लोग को ना सिर्फ मौका चाहिए होता है, मौका। यू नो मी, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। आई जस्ट हेट यू। प्रीता मुझसे बहुत गुस्सा थी, मैं भी हर्ट था, इसलिए मैंने उसके लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब क्या कहेंगे आप, बोलिए अब। प्रथा के बारे में तो बहुत कुछ कह रही थी आप, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, अब अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हाँ तो मिस्टर रोहन, प्रथा ने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए और जाकर उसे मार दिया। मैं उस रात अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था, मॉम स्वेयर मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिव्या इसे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल के लिए बुलाओ, और प्रथा की बॉडी पर मिले डीएनए सैंपल से मैच कराओ। सर ये देखिए। सर मुझे लगता है पिछली दोनों रॉबरीज में यही गैंग इन्वॉल्व था। पिछली रॉबरी में 4 लोग थे और इस बार 3 लोग। किसी भी फुटेज में इनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ये बस वही चीज चुराते थे जो आसानी से लिखे जा सके। और हाँ सर, पिछली रॉबरी के आसपास ही प्रीथा का मर्डर और रेप हुआ। ये दोनों घर भी सर कुछ ज्यादा दूरी में नहीं थे। मुझे लगता है इन्हें अच्छे से मालूम था कि प्रीथा उस दिन घर में अकेली है और इन्होंने ही प्रीथा के साथ ये सब किया। काम करो, जहाँ जहाँ भी रॉबरी हुई है उन सब में ये तलाश करो कि कॉमन कड़ी क्या है। देखो हमें सब कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, पुलिस को शक हो चुका है एकदम सॉलिड वाला, और वो कह रही है कि जो लोगों ने लूट किया है उन्होंने खून और बलात्कार भी किया। क्या बकवास कर रहा है? चड्डा है ना, थोड़े दिनों के लिए घर के बाहर गया, चलो चड्डे की चड्डी निकालते, समझे? भाई रे होगा तुम, तुम्हें कुछ कह रहे समझ नहीं आता? तू ना खुद का काम खुद कर और हमें करने दे, समझा? इज्जत से कह रहे ये सब कुछ दिनों के लिए बंद करो। अबे तू यहाँ अपनी लीडर ही मत दिखा, समझा क्या? आखिरी बार कह रहे चुप हो जाओ वरना मुंह फोड़ देंगे। क्या कर लेगा? पता है क्या करेगा? क्या लेगा? अबे क्या करेगा? अबे अरे क्या करेगा? क्या ले? सर तीनों रॉबरीज का कनेक्शन मिल गया है। सुमन उनकी मेड जो तीनों घरों पे काम करती थी, और प्रीथा के घर पे भी यही काम करती है। जिस दिन मैं लास्ट रॉबरी का केस दर्ज करने सिमरजीत के घर गया, मैंने वहाँ पे भी इसे देखा था, और मुझे उसी दिन इस पे पूरा शक हो गया था। सुमन ये क्या बोल रहे हैं साहब? हम कुछ नहीं किए हैं, इन लूटपाट खून खराबा हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कब कहा कि तुमने किया है? तुमने करवाया है।
ऐसा कौन सा गुस्सा था तुम्हें प्रथा और उसके परिवार पे? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसे मरवा दिया तुमने? क्या बोल रहे हैं साहब? हमारी क्या औकात है कि हम उस पर गुस्सा करें? हम तो बस अपना काम करते हैं साहब, किसी से कोई बात भी नहीं करते। हमारा मर्द दो बच्चा छोड़ के चला गया, एक बड़ा बेटा जो हमारी सुनता नहीं, और छोटी बेटी, वो तो इतनी छोटी है साहब कि उसके सामने अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते। ये सारे तुम्हारे बेटे की उम्र के हैं ना, बल्कि उसके दोस्त ही हैं, है ना? नहीं साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। बिल्कुल किया है, तुम्हारे बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, बल्कि इसमें तुम भी शामिल हो। वरना ऐसे कैसे होता कि जिन घरों में तुम काम करती हो उन्हीं घरों में रॉबरी होती है? हमको नहीं पता साहब, पर हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए। जाओ यहाँ से। बड़ा बेटा कुछ नहीं किया है साहब। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? सर इतना तो क्लियर है कि सभी रॉबरीज में इसका और इसके बेटे का हाथ है, एंड सर आई एम श्योर प्रीता को मारने में भी इन्हीं का हाथ है। लेकिन सिंह हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ये औरत आसानी से मुंह खोलने वाली नहीं है। इसका मुंह खुलवाने के लिए हमें और सबूतों की जरूरत है। सर सबूत है ना, जिन जिन घरों में चोरी हुई सभी घरों में यही काम करती है, और चोरी उस समय हुए जब घर के सदस्य बाहर थे, इनका यही मॉडस ऑपरेंडी है। इन सभी रॉबरीज की टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं। पहली चोरी हुई है 28 अप्रैल को, दूसरी 16 मई को, और तीसरी 4 जून को। यानी कि सभी चोरियों में लगभग 15 से 18 दिन का गैप है। ये चोर छोटी मोटी चोरियां करते हैं, कोई बड़ा हाथ नहीं मारते, जैसे कि लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश, इसीलिए इन्हें जल्दी जल्दी चोरी करने की जरूरत पड़ती है। ये लास्ट चोरी जो 4 जून को हुई थी, लगभग इसे 10 दिन हो चुके हैं, यानी कि ये चोर बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। मेरी गट फीलिंग है प्रिया का केस और इन चोरों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हमें ये पता करना है कि हमारे एरिया में कौन सी ऐसी फैमिली है जो हाल फिलहाल में बाहर जाने वाली है। इस बार जैसे ही ये चूहे बाहर निकलेंगे हम इन्हें धर दबोचेंगे। सर इस एरिया में एक ही घर है जिसकी पूरी फैमिली बाहर गई हुई है, हमने नजर रखी है लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। नजर रखो, कोई ना कोई कांड तो वो जरूर करेंगे। जी सर। ए, क्या करे? रुक जा। ए, रुको। रुक। तुम तीनों स्कूल में पढ़ते हो ना? यही सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल में? चोरी करना, डाका डालना, और क्या सीखा है तुम लोगों ने? रेप, मर्डर। सर हमने कोई रेप और मर्डर नहीं किया, हम सिर्फ चोरी करते। एक बार भी नहीं सोचा अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ये हमारा प्लान नहीं था, ये सब ना चंदू का आइडिया था। चंदू तुम्हारा चौथा साथी ना? पर वो तो अब तुम्हारे साथ नहीं है, वो पिछली चोरी में भी तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ सर, उस दिन चंदू हमारे साथ चोरी करने नहीं आया था, जिस दिन उस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, और फिर चोरी के बाद अपना हिस्सा मांगने वापस आ गया। कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा हिस्सा बांटने चले जाते। क्यों बंद करते हैं? लेकिन तब से पागल सा हो गया, कहता है कुछ मत करो पुलिस पकड़ लेगी। साहब हमारा चंदू बेकसूर है साहब, ये वो लड़का लोग का काम है, हमारा बच्चा बेकसूर है साहब। तो कहाँ छुपा के रखा है उस बेकसूर बच्चे को तुमने? हम नहीं छुपाए साहब, हम सच कह रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता है वो कहाँ चला गया है साहब, आप लोग के डर से भाग गया है साहब। हमारे डर से भाग गया है? इतना तो पक्का है कि तुम्हारा बेटा चोर और लूट करता है, अगर ऐसे ही फरार रहा ना तो प्रथा के कत्ल और रेप के इल्जाम में वो अंदर जाएगा, या तो वो यहाँ आकर सच सच बता दे, वरना अपने तरीके से ढूंढ कर हम उसे सच उगलवाएंगे। नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है साहब, उसको काम मिलेगा ये सब करके। साहब आपको पकड़ना है ना तो आप आरव भैया को पकड़िए, जो प्रथा का भाई है, हमको लगता है वही ये सब करवाया है साहब। माँ मैं जा रही हूँ पार्टी है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैंने गरम समोसे मंगवाए, एक समोसा खाकर चली जा। माँ समोसा पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना। भाभी मैं जा रही हूँ, हो गया है। अच्छा सुन एक काम कर, आरव को समोसा और चाय दे दे। प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है, मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगे दोस्तों की वजह से। सुन तुझे जो काम बोला तो वो आज कर लेगा ना? वो
व्हाट डू यू मीन आज पॉसिबल नहीं है? मैंने तुझे स्पेशली कहा था कि ये प्लान आज करने के लिए, यही सही मौका है। क्या है? चाय। अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लूंगा, ले जाओ। अरे भैया, हमेशा प्रीता दीदी से गुस्सा रहते थे। वो छोटा छोटा कपड़ा पहनती थी ना, और लड़कों सबसे बात करती थी, इसीलिए बहुत गुस्सा रहते थे साहब। सिंह, इसने जो कहानी बताई है जरा उसकी सच्चाई का पता लगाओ। जी सर। और हमारी नजर तुम्हारे ऊपर भी रहेगी, और छुपा ले अपने उस चूहे को, उसे तुम किसी भी बिल से खोद के निकालेंगे। तीनू अपनी बहन पे गुस्सा था ना? हाँ, प्रीता घर से पार्टी के लिए निकल चुकी है। मैं तंग आ गया उसके रोज रोज की पार्टी लफंगे दोस्तों की वजह से। सुन, तुझे जो काम बोला तो वाच कर लेगा ना? अरे पुलिस से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, हम सब सच पता चलवा लेंगे। तूने किस किस को फोन किया, किसे पैसे दिए? अच्छा होगा अगर तू खुद ही बता दे, अगर हमने अपने तरीके से पता किया ना तो तुझे बहुत दिक्कत होगी, समझा? सर, प्रीता छोटे कपड़े पहनती थी, आवारा लड़कों के साथ घूमती थी, और रात भर ऐसी घूमती रहती थी सर, इसलिए मैंने उस गुंडे को पैसे दिए ताकि वो प्रीता को डरा सके। और सर, जिस दिन प्रीता का मर्डर हुआ ना, उस दिन मैंने उस गुंडे से कुछ भी नहीं कहा सर, वो तो घर पर रुकने भी नहीं वाली थी, सिर्फ बाई चांस वो घर पर रुक गई। यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ डराने के लिए उस गुंडे को पैसे दिए थे, और मेरा कोई इरादा नहीं था सर। उस आदमी का जल्दी से डिटेल्स। सर जी, उसका नाम गोविंद है। आरो के बहन के साथ मैंने कुछ नहीं किया साथ। बहुत सीधा बनता है तू, लड़कियों को छेड़ने की बहुत कंप्लेंट है तेरी हमारे पास। आप जिन लड़कियों की बात कर रहे हो साहब, वो सब ऐसी ही है साहब। उस रात आरो ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं क्लब में डांस कर रहा था, और मैं लास्ट मिनट में सब कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेता। आप चाहे तो मेरे दोस्तों को पूछ सकते हो। वो तेरे दोस्तों से तो हम पूछ ही लेंगे, और अगर ये काम कहीं तूने किया हुआ ना, तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू नाचना तो दूर चल भी नहीं पाएगा, समझा? पता करो ये गोविंद सच बोल रहा है या नहीं। सिंह, हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं, और उन सस्पेक्ट के पास प्रथा को मारने के मोटिव्स भी हैं। जैसे कि ये तन्मय, ये उस दिन प्रथा के घर के पास में था, हो सकता है वो प्रथा के घर के पास गया हो, दोनों की आपस में बहस हुई हो, उसने पहले रेप किया उसे मार दिया। और वो दूसरा रोहन, उसे भी प्रथा ने उस दिन बहुत सारे हेट मैसेजेस किए थे, हो सकता है उसने ये सब किया हो। और वो प्रथा का भाई आरव, पता करो ये आरव उस दिन शादी छोड़कर गया था क्या? जी सर। और वो काम वाली सुमन, क्या नाम है उसके बेटे का? सर चंदू। क्या हुआ उसका? सर उसे ढूंढ रहे हैं, सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। साहब हमारी बात मानिए, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब उसका भाई किया है, हमारा बेटा निर्दोष है साहब। बस बहुत हो गया, दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो, चुपचाप इससे पूछताछ करने दो, वरना रेप और मर्डर में इसका साथ देने के लिए तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम वहां गए जरूर थे, हमें याद आया कि माँ ने उस दिन कहा था कि वो लोग शादी के लिए सबक जा रहे हैं, तो मैंने सोचा बड़ा हाथ लगेगा, लेकिन जब मैं वहां गया हमें लगा शादी से कोई वापस आ गया, लेकिन उस आदमी का मुंह ढका हुआ था, और उसने सामने की खिड़की से अंदर हाथ डालकर चाबी निकाली और फिर दरवाजा खोला। पहले हमें लगा कोई घर वाला है, हम उसे देखने आगे बढ़े। अच्छी कहानी बनाई, उन्हें सोची पहले सोच रखी थी। हम सच कह रहे हैं, हम जानते हैं इन सब में तेरा ही हाथ है। अब ये बता, तेरे दोस्त भी तेरे साथ हैं या तू अकेला था? सब ये कह तो रहा है कि इसने कुछ नहीं किया। वो आदमी दिखने में कैसा था? वो आदमी, सुमन अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा चंदू गलत रास्ते पर है, जिसे रोकने में वो नाकामयाब रही। चंदू को उसके किए की सजा मिली, रॉबरी का केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन प्रथा के रेप और मर्डर की गुत्थी सुलझने भी बाकी थी। चंदू ने अपराधी का जो डिस्क्रिप्शन बताया था वो किसी से मैच नहीं कर रहा था। तभी एक चीज मेरे सामने आई, जिससे इस केस को सॉल्व करने में मुझे सफलता मिली। सर, प्रथा की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उसके साथ एक आदमी ने रेप किया है। What? सर रही बात गोविंद की, वो सच बोल रहा है, और सर अरब के दोस्तों से भी मैंने पूछताछ की, उस दिन अरब अपने दोस्तों के साथ ही था। अब सर बचे रोहन और तन्मय, ये क्राइम पक्का इन दोनों में से किसी एक ने किया है। चंदू तो बता रहा था वो कोई मिडिल एज मैन है। सर हो सकता है चंदू झूठ बोल रहा हो सकता है ये क्राइम चंदू ने ही किया हो।
नहीं सिंह, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है चंदू झूठ नहीं बोल रहा है। अगर चंदू की बात माने तो उस आदमी ने खिड़की में से पहले हाथ डालकर चाबी निकाली, फिर वो मेन डोर से अंदर आया। यानी कि उसे पता था कि चाबी कहाँ है, और उसे ये भी पता था कि उस दिन प्रथा घर में अकेली थी। ज़रूर ये बात किसी फैमिली मेम्बर ने उसके सामने डिस्कस की होगी। पहले हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये किसी रैंडम आदमी का काम नहीं है। ये ज़रूर कोई ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि प्रथा घर में अकेली है और आपके घर की चाबी वो खिड़की के पास रहती है। वो चोरी के इरादे से यहाँ नहीं आया था, वो सिर्फ प्रथा के लिए आया था, कोई ऐसा जो उसे पसंद करता था। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। मैं जानता हूँ वो कौन हो सकता है। आराम ने तेरे सामने ही कहा था ना कि उसके घर की चाबी कहाँ रहती है? अरे लेट नाइट का कोई इशू नहीं है यार, मेरे हॉल की खिड़की के पास वो चाबी रखी है ना, बस उसी से आ जाऊंगा। और उस दिन मैंने सिर्फ तुझे बताया था कि हम सब लोग शादी में जा रहे हैं। जल्दी करो भाई। अरे बड़े जल्दी में डॉक्टर साहब, आज एक शादी में जाना है ना। सब जा रहे घर में? हम लोग जा रहे हैं, वो प्रीता नहीं जा रही। ये क्या कह रहे साहब आप? आप तो सब चीज मुझको बताते थे ना, अब ये मेरे सर पे मत डाल दिए साहब। तू कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था मेरी बहन को क्या? जब देखो तब उसे घूरता रहता था, कहाँ आ रही कहाँ जा रही। नहीं है तो तूने ये सब कुछ नहीं किया? नहीं सर। फिर झूठ बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा सर। सिंह तो ये क्या है? ये तेरे फोन की लोकेशन रिकॉर्ड्स है। तूने बताया था ना कि 10 बजे दुकान बंद करता है, लेकिन तेरी फोन की लोकेशन के हिसाब से तू 1 बजे तक वहां था। तेरी बीवी से भी पूछा है हमने, उस रात देर से घर आया था तू। झूठ मत बोलना, बोल। सिंह तेरी सब सच बोलता हूं साहब, मैंने उस लड़की के साथ गंदा काम किया था साहब। हाँ लेकिन साहब वो तो जाने किस किस के साथ क्या क्या करती थी साहब। कभी किसी का हाथ पकड़ लेती थी, कभी किसी के साथ हंस के बात करती थी, और किसी किसी के साथ तो साहब गले भी मिलती थी। और मैं खाली बात करने की कोशिश करता था तो मुझे ऐसे देखती थी जैसा कोई सड़क का कुत्ता है। अरे मुझे भी साहब वो सब करना था, वो जो सबके साथ करती थी। तुझे तो सब चीजें मजा आता है, चल ना। अरे साहब मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे क्यों मार रहे आप लोग? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस बेचारी लड़की के साथ इतना घिनौना और गंदा काम किया, उसकी जितनी सजा दी जाए उतना कम है। पहले रेप किया और बाद में उसे मार डाला। अरे साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैं उसे मारना चाहता था साहब, लेकिन सही इसे पूरा सच उगलवाओ। मेरी बात सुन साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसका बलात्कार किया, मैंने उसे नहीं मारा साहब। सिंह अगर इस जगदीश की बात मान भी लें कि इसने प्रथा को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? और वो जो कोई भी था उसने प्रथा के कपड़े ठीक करके ये दिखाने की कोशिश की कि उसका रेप नहीं हुआ है। सर चंदू भी हो नहीं सकता, वो तो पहले डर के भाग गया था। हाँ लेकिन वो जो कोई भी था मेन डोर से अंदर आया था, मतलब घर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हो सकता है वो फैमिली मेम्बर ही हो। सिंह उस रात शादी में से ये प्रथा का फादर गायब था ना? एक पेशेंट का फोन आ गया था, मुझे उसके पास जाना पड़ा। हाँ सर वो कह रहे थे किसी मरीज को देखने गया सी। पढ़ा वो प्रीता को क्यों मारेगा, उसके पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन सर अगर उसने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा होता तो उसकी मदद जरूर करता, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता, उसे मारता क्यों? यही तो पता करना है। अगर उस रात की टाइमलाइन पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि उस रात प्रथा को मारने के पीछे मोटिव क्या था। सर ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? हाँ लगता है। आपने कहा था कि उस दिन आप शादी के वेन्यू से पेशेंट को देखने गए थे। हमने पता किया है कि वहाँ से पेशेंट का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और आपको 45 मिनट लग गए। बेटी को मारने में टाइम लग गया ना? आप पुलिस वाले हर किसी में शक करते हैं। यही हमारा काम है। मेरी
गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस उसी को बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया। कौन से गैराज में टायर ठीक कराया था? अब ये मत कहिएगा कि वो आपने खुद ही ठीक कर दिया। क्या हुआ, बहुत नर्वस लग रहे? नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि अगर उस गैराज वाले ने मुझे नहीं पहचाना तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। तो फिर दुआ कीजिए कि वो गैराज वाला आपको पहचान ले। सर, सर मैंने उस मैकेनिक से गल की थी, वो कह रहा था उसने विद्युत को पहचान लिया। उसने बताया कि वो उस रात उसके गैरेज में आया था, उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो किसी पेशेंट को मिलने की जल्दी मचा रहा था। बाप मैकेनिक के पास आया फिर पेशेंट के पास गया, और भाई पहले से ही दोस्तों के पास था। जी सर। और माँ, उसने बेटी के बहुत सारे मिस कॉल्स देखे और जल्दी जल्दी मिलने घर आ गई, मतलब तीनों में से कोई नहीं था, तो फिर कौन है? सिंह, इस केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। की टूट रहे हो सर? क्या ढूंढ रहा हूं? कातिल को। आपके ऊपर तो हमें शक ही नहीं था, लेकिन अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस के साथ आंख में चोली नहीं खेल सकता। प्रथा की मिस्ड कॉल देखने के बाद आपने उसे वापस कॉल किया, और जब उसने आपका फोन नहीं उठाया तो आप घबरा गई और तुरंत शादी से निकल गई। ये हैं आपके फोन की लोकेशन डिटेल्स, इनसे साफ पता चलता है कि आप 1 बजे शादी से निकल गई थी और 15 मिनट के बाद ही अपने घर के एरिया में पहुंच गई थी। आपने अपने पति को 2 बजे कॉल किया और हमें 2:05 पर, ये बीच के 45 मिनट आपने क्या किया? प्रीता को बर्बाद कर दिया था उस राक्षस ने। जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ, उस दर्द के साथ वो नहीं जी सकती थी। वो जिंदा तो रहती लेकिन घुट घुट के मर जाती। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि दुनिया अच्छाई नहीं देखती है। लोग हमेशा मेरी बेटी को गलत कहते थे, उसका हंसना, उसका लड़कों के साथ बात करना, के छोटे कपड़े पहनना, बस इन सब बातों से ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उसका करैक्टर खराब है। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसका करैक्टर बहुत स्ट्रोंग था। मुझे पता था कि रेप के बाद लोग मेरी बेटी को ब्लेम करेंगे, हमें ब्लेम करेंगे, इसीलिए मुझे लगा कि मौत ही उसके लिए बेटर ऑप्शन। मौत ही मैं उसकी, उसके साथ गलत कैसे होने दे सकती थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर सही काम किया। मुझे अपने परिवार के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर सही नहीं किया। आपकी बेटी को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने का हक आपको नहीं था। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी, एंड आई एम श्योर अपने साथ हुए इस अपराध के बाद भी वो बहुत आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीती, और आपने उसकी जिंदगी छीन ली। जगदीश को उसके किए की सजा मिली, और शिप्रा, उसने भले ही अपनी बेटी को दर्द से मुक्त कराने के लिए ये सब किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उसे सजा मिली। आरव ने जगदीश को अपनी बहन की तरफ गलत निगाहों से देखते हुए तो देखा, लेकिन उसके लिए भी उसने अपनी बहन को ही गलत समझा। क्या ये होने वाले अपराध की दस्तक नहीं थी? प्रथा एक खुश मिजाज लड़की थी, सबसे दोस्ती रखती थी, हर किसी पर आसानी से भरोसा भी कर लेती थी, और शायद इसी मासूमियत की कीमत उसने चुकाई थी। प्रथा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ जगदीश और शिप्रा ही गुनहगार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हर वो इंसान गुनहगार है जो ये सोचता है कि जो लड़की हंसमुख है, पार्टीज में जाती है, छोटे कपड़े पहनती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, वो गलत है या करेक्टरलेस है। जब भी ऐसी धारणा किसी के लिए बनाई जाती है
तो वह समाज के लिए एक दस्तक होती है। यह दस्तक है कि हमारी सोच गलत है, यह दस्तक है कि हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। हर लड़की को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर किसी को बदलना है तो ऐसे लोगों की सोच को जो प्रथा जैसी लड़कियों को गलत समझते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।